तो जी हाँ भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है एक नए वी लॉग में। और इस वी लॉग में ये कोट सूट पहन के मैं क्या शूट करने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम देखा होगा मेरा और सिमरन का तो आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप नहीं समझे हो तो हम लोग एक बहुत प्यारा सा शूट कर रहे हैं। उस शूट में हम लोग अपनी डेट रिवील करेंगे, वेडिंग डेट इधर भी रिवील होगी, यूट्यूब वीडियो में भी रिवील होगी, थोड़ा आगे होगी, तो रुक जाइए। अरे सबर करो यार, सबर करो, मिल जाएगी डेट। एंड अब हुआ है दोपहर का 3:30 बजे और सिमरन ने बोला था मैं 3 बजे आऊंगी, 3:30 हो गए, वो नहीं आई है। इसके लिए ये चीज मुझे पता थी क्योंकि ऑब्वियसली सिमरन ये करती है, तो हाल फिलहाल मैं भी रेडी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे रेडी होने में सिर्फ 4 मिनट या 5 मिनट लगते, तो मैं तो रेडी हो जाऊंगा। देखते सिमरन कितने बजे आती है। तो हुआ है 4:15 और सिमरन अब तक नहीं आई है। 3:30 का टाइम दिया था, 4:15 हुआ है। अगर हम लोग 4 के पहले नहीं निकले तो जहाँ पे हमको शूट करना है वहाँ पे तो भूल जाओ, हम पहुँच पाएंगे, मतलब मुंबई पहुँच पाए बहुत बड़ी बात है। तो मतलब वाकिफ तो है हम लोग इस चीज से। क्या बोलती है, आएगी 4 के पहले सिमरन? तेरे को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास? हाँ। मेरी माँ को ना बहुत कॉन्फिडेंस है अपनी बहू पे। चलो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। कितने बजे तक आएगी? 4 बजे तक। मम्मी 4 बजे में 10 मिनट बाकी है, घर से निकली भी नहीं होगी, उड़ के आएगी क्या? निकली है, इधर ही पहुंची। अच्छा, तेरे को पता चल गया टेलीपैथी से, मम्मी को पता चल गया निकली है, इधर ही पहुंची है। वाह 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 वाह, क्या बोलूं अभी मैं, क्या बोलूं। टाइम हुआ है 4:20 और मैं हूँ रेडी। सिमरन अब तक आई नहीं है, लेकिन उसने मेरे को बोला है कि मैं बस पहुंच ही रही हूँ तो नीचे उतर। क्या बोला मम्मी, कितने बजे आएगी वो? तो मतलब मैं जीता और मेरा टाइम प्रेडिक्शन सही है कि हमेशा सिमरन लेट करती है, मैं नहीं। चलो अभी। क्या बात है, एकदम मेकअप वेकअप करके कैसी लग रही हूँ? बहुत लेट लग रही है तू। मम्मी को तेरे पे कॉन्फिडेंस था कि तू 4 बजे तक आएगी और अभी हुआ है 4:30, तो जीता मैं, क्योंकि मैं कभी लेट नहीं करता हूँ, हमेशा सिमरन लेट करती है। इसको सेलिब्रेट करने का चीज तो बनता है ना। ये औरत के लिए मैंने ऑमलेट बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी मैं टाइम पे हूँ। और इसने एंड मोमेंट में बोला मेरे को भूख लगी, ऑमलेट बना, वो बनाया तो भी मैं टाइम पे हूँ। लेकिन कौन टाइम पे नहीं है? सिमरन सिमरन सिमरन। तो ये जो सालों का जो ये मेरे पे इंजाम लगाया जा रहा है ना कि जादू हमेशा लेट होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये लेट होती है ये। मैं इसको लेने जाता हूँ तो भी मैं लेट नहीं होता हूँ, यही लेट होती है हमेशा। I love this love language. देखा? Thank you, baby. मना किया है। So, मैंने इसको बताया कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो ये मैं इसको लेने निकली ही थी कार में, इसने फटाफट फटाफट मेरे लिए ऑमलेट बना दिया। और वो भी मतलब ऐसा मसाले वाला, मसाले वाला बना, मेरे को अच्छा बनाना था यार। रश कर रहा है तू? तो फाइनली 5:30 घंटे बाद हम पहुंचे हैं। जो रास्ता एक्चुअली रास्ता कितना है, 1.5 घंटे का है मेरे घर से, लेकिन उसको हमको लगा है 3:30-4 घंटे लग गए। अभिषेक 1/2 घंटे से आए हुए हो आप? अरे मेरे को तो बोरीवली से यहाँ पे आने में आधा 1 घंटा 30 मिनट लग गया, और हम लोग को वहां से यहाँ पे आने में कम से कम 3:30-4 घंटे लग गए। इसके वजह से अगर ये टाइम पे निकलती तो हम लोग बहुत जल्दी, मतलब अभी से कम 8-9 घंटे पहले पहुंच गए होते, कसम से बता रहा हूँ। और ये सिर्फ पूरा टाइम पानी पी रही थी, गाड़ी नहीं चला रही, गाड़ी पूरी मैंने चलाई। तंग हो गया मैं, मेरे पैर में दर्द हो गया, इतना ब्लेम करता तू मेरे। अभी चलो ऊपर चलो। तो आपको ऐसा मेरे कपड़े वपड़े देख के ऐसे लग रहा होगा कि हम लोग कुछ एवेंजर शूट कर रहे हैं यहाँ पे क्रोमा पे, कुछ ऐसा मीटिंग है और वहाँ पे फाइट शुरू होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रील देख लिया है आपने, रील में क्या था। और हमारे साथ आज है विकास भाई एंड सिमरन एंड पीछे अभिषेक। As usual, हम लोग 1 घंटा लेट है यार। सच्ची में ऐसा एकदम सेट वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसे लटक वटक के मारपीट करना है, अरे वो ये सेट थोड़ी ना वो सेट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे शूटिंग, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट नहीं की तो खत्म नहीं हो पाएगी। किसकी गलती है? इसकी ही गलती है, मेरी गलती कहाँ से हुई? तू पता है क्या हुआ, मैं देखो आगे खींचने जा रहा था, तू ये किया है तूने, देख क्या कर रही है। पता है बहुत फास्ट है तू, बहुत स्लो कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अबे पागल है कुछ भी, चल ठीक है अभी तो देखो फास्ट दिखाता हूँ। अभी तो क्या हुआ? पैर पे चढ़ गई मेरी छोटी उंगली, टूटने वाली है अभी। वापस
आपका फेस इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? ये फोटोज ऐसे निकलवाती है कि पसीना छूट जाता है सीरियसली। ऐसा रुक, इधर देख, वैसा कर, ऐसा कर। सो गाइस, फाइनली इट्स अ रैप। ये मजा आया, बहुत मजा आया इनके साथ। हम लोगों ने पहली बार काम किया है, तो आई होप हमने ज्यादा इरिटेट नहीं किया हो इनको। ये अभी बोल तो नहीं रहे हैं, हाँ, ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं किया इरिटेट, लेकिन मेरे को पता है कि इसने जरूर किया है। बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, बाद में अभी करेंगे इरिटेट करें। यार मेरे को ना ये कट है ना, थोड़ा ऐसे एक फ्रेम अंदर करो, एक फ्रेम थोड़ी म्यूजिक ही चेंज कर देते हैं इसको, है ना, हार्ट थ्रॉब पे बिठाओ। अभिषेक भी बोल रहा है, अभिषेक एब्सोल्युटली कर चुकी है वो। जादू भाई मेरे बड़े बाल फिर से आ सकते हैं। ये इसके थोड़े लॉन्ग हेयर कर दो, यहाँ से ये गुम कर दो, मेरा यहाँ से आर्म गुम कर दो, तो ये सब तो इसका अभी एडिट, लेकिन एडिट हो गया, आ गया होगा। इट वाज लाइक जादू हैज नेवर डांस्ड बिफोर, कभी नहीं। तो हम लोग, मैंने इसको आज नचवाया, एंड आई डिडंट नो दैट ही इज अ really good dancer. ये तो देखो, मतलब सफा, मतलब ले रही है मेरी कसम। नहीं यार, ले नहीं रही हूँ, इसने बहुत जल्दी फिरकी लेती है क्या मेरी, फिरकी लेती है, जल्दी कर लिया। सो एनीवे, जाके इंस्टाग्राम पे देखो आपको कैसा लगा, एंड एज यू गाइस नो वी आर गेटिंग मैरिड सून, सो डेट्स तो पता चल चुकी है, तो डेट्स तो बताई नहीं, डेट्स 27 February and 28 February है, वो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी से भी पता चल जाएगा। मैंने यहां पे 27 February को एंगेजमेंट है, हां तो 28 February को शादी है ना, हां जो भी, मतलब 27 February 28 February मेरे को इतना याद है तो मैंने बता दिया। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय 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 बाय।